खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर भाजपा नेता ब्रजभूषण मिश्र ने SI राजेश राव ने की अभद्रता मामले का स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने लिया संज्ञान। SP से वार्ता कर मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। SP ने विनोद सिंह को आश्वस्त कर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल ये मामला कुरेभार थाने का, जहां शुक्रवार को भाजपा नेता ब्रजभूषण मिश्रा और थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राजेश राव से किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ गया, SI राजेश राव और जीत लाल सरोज ने ब्रजभूषण से अभद्रता करनी शुरू कर दी, काफी बुरा भला कहने लगे। इस बात की जानकारी जब भाजपा नेताओं को लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस के आला अधिकारियों से वार्ता की। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा से बात की, मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। SP विपिन कुमार मिश्रा ने भी विधायक विनोद सिंह को आश्वस्त किया और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। आगे इस पूरे मामले पर BJP नेता ब्रजभूषण मिश्र ने क्या कुछ कहा, इस मामले पर आए जाने। क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी में आप किस पद पे रह चुके हैं, मौके पर किस पद पर हैं? भैया, भारतीय जनता पार्टी में मैं 2 बार धनपतगंज मंडल का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूं, युवा मोर्चा जिले में मैं जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूं और सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर का मैं जिला महामंत्री रह चुका। कल से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है, कूड़ेवार थाना में कुछ प्रकार की कुछ मामला हुआ था आपसे, आखिरकार ये पूरा मामला क्या था? पूरे मामले में बहुत बड़ा मामला नहीं था, उसको पुलिस वालों ने बड़ा बना दिया। कूड़ेवार थाने क्षेत्र में आने वाले शिवनगर ग्राम पंचायत का एक छोटा सा मामला था, अभयराज प्रजापति का, छोटे छोटे बच्चों के बीच में विवाद हुआ था। वो 2 दिन हमारे यहाँ दौड़ करके आया, उसी जानकारी के लिए मैं थाने गया और थाने पहुँच करके हमने जो वहाँ के जीतलाल साहब हैं, SI हैं, जिनका क्षेत्र है शिवनगर, उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया। मैंने निवेदन से मैंने पूछा, साहब अगर जानकारी है तो थोड़ा सा बताने की कृपा करें, वो 2 दिन से हमारे यहाँ आ रहा है। इस मामले को लेकर के उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया कि आप हमारे अधिकारी नहीं हो, आपको हम काहे बताएंगे, और उन्होंने बात बात में मारपीट शुरू कर दिया, हाथापाई की, मारपीट किया और पूरी तरह से बेइज्जत करने का प्रयास किया। आखिरकार ऐसा कौन से SI थे जो आपके साथ हाथापाई किए, क्या नाम था उनका? ये जीतलाल सरोज और दूसरे वाले राजेश राव, क्या नाम, राजेश राव है नाम, राजेश राव साहब हैं। दोनों दरोगाओं ने हमारे साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, फिर मुझको ले जा करके हवालात में बंद किया, हमारा मोबाइल और चश्मा तोड़ दिया, और जो गमछा हमने अपने कंधे पे रखा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बना हुआ है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री की फोटो भी है, उसको उन्होंने जमीन पर रख करके पैर से कुचलने का काम किया। 37-38 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस तरह की निंदनीय घटना। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं का क्या कहना है, आखिरकार कार्रवाई कहाँ तक की जाएगी और आप क्या चाहते हैं इस मामले पर? हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं जिसको हमने अपने प्रार्थना पत्र में दिया भी है। जानकारी हमने किसी कार्यकर्ता को फ़ोन नहीं किया, किसी नेता को फ़ोन नहीं किया, बताया नहीं मैंने किसी को, लेकिन आनन फानन में पूरे ज़िले में ये खबर पहुंच गई। हमारे माननीय सांसद जी को जानकारी हुई, माननीय विधायक 188 सुल्तानपुर को जानकारी हुई, सारे लोगों ने मामले को संज्ञान में लिया है और हमने जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं CO साहब, उनसे हमने मांग किया है अपने प्रार्थना पत्र में कि तत्काल प्रभाव से इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और जो इन्होंने निंदनीय घटना की है उस घटना के बारे में इनके करेक्टर रोल में यह बात लिखी जाए और इसकी एक कॉपी इनके करेक्टर रोल में चस्पा हो, ताकि आगे भविष्य में ये कहीं भी रहें
ऐसी गलती है ना करें, और इसको सुन करके देख करके आगे भी अधिकारी किसी भी कार्यकर्ता से ऐसी गलती ना करें, तो ये हमने मांग किया। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।